बीते कल पुलवामा के अवंतीपुरा के नजदीक सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकियों द्वारा किए हमले में शहीद होने वाले सैनिकों की आत्मिक शांति के लिए अजनाला शहर के गुरुद्वारा माता साहिब कौर में एकत्रित हुई संगत द्वारा अरदास की गई। इस मौके पर उपस्थित कीर्तन दरबारी सोसाइटी के नेताओं भाई भूपिंदर सिंह, मास्टर गुरप्रीत सिंह, करमजीत सिंह गोल्डी, नरिंदर पाल सिंह ढिल्लो और बाबा काबल सिंह आदि ने केंद्र सरकार से मांग की कि आतंकियों पर नकेल कसने के लिए तुरंत जरूरी यत्न किए जाएं, जिससे आगे से कोई ऐसा हमला ना हो पाए। असी समूह मेंबर कीर्तन दरबार सोसाइटी अजनाला अज विशेष एकत्रता करते हुए जो कल पाकिस्तान के अतवादियों वालों कायराना हरकत की गई है उसकी पुरजोर शब्दों में निखेधी करते हैं तो परमेश्वर अगर अरदास करते हैं महाराज उन्होंने समत बख्शे जो भी भले के काम कर जिन्हों परिवार का नुकसान होया उन्होंने परिवार के नाल साड़ी पूर्ण हमदर्दी है। रब करे सरकार अगर अपील करते हैं कि उन्होंने परिवार की बहुत मदद की जाए ताकि उन्होंने ये दुख बहुत समय याद ना रह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। अज कीर्तन दरबार सोसायटी के समूह मैंबरान की एकत्रता हुई है जिस विच असी जो कल अतवादियों ने कारनामा हमला किया है फौजियों के उत्ते असी उसकी पुरजोर निखेधी करते हाँ ते नाल दी नाल ये भी अपील करते हाँ कि अतवादियों को जी है वो ठल पाई जाए तो साड़ी भारत सरकार जी है इस समय जिहड़ा बहुत ही सख्त कदम चुके ता कि जिहड़ा है अतवादी दोबारा इस तरह की हरकत ना कर सकन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज साडे कीर्तन दरबार सोसायटी अजनाला वालों गुरु महाराज की हजूरी में अरदास बेनती की गई है जो जम्मू कश्मीर के साड़ी रक्षा करने वाले नौजवानों के उत्ते अतवादी हमला करके इन्ने नौजवान 40-42 नौजवान जो शहीद होए हैं असी उन्होंने आत्म शांति वास्ते अरदास करते हैं तो परिवार को पाणा मनन का बल बख्शन वाहेगुरु। तो सरकार अगर बेनती करते हैं कि अतवाद में जी ठल पाई जाए गांह साडे जो नौजवान राखी करते हैं साडे देश की उन्होंने कोई यहोजा हमला ना